फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को मोबाइल फ़ोन के बारे में बताने जा रहे हैं। हम लोग तो आजकल मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आप लोगों को शायद पता होगा कि मोबाइल का खोज कैसे हुआ, किसने किया, कब किया और पहला मोबाइल फ़ोन कौन था। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आप लोगों को हम बताता हूँ कि पहला मोबाइल कौन था और किसने उसका आविष्कार किया और उस फोन का कौन किया आविष्कार, आविष्कारक कौन थे, मतलब कब किया गया और पहला मोबाइल फोन कौन था। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ। दोस्त, 1973 में अमेरिका के रहने वाले एक इंजीनियर ने, जिनका नाम है मार्टिन कपूर, उन्होंने खोजा था सबसे पहला बहु अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल संचार कंपनी मेट्रोला का था। आप लोगों को शायद ही पता होगा कि मेट्रोला पहली कंपनी थी मोबाइल फोन। आप लोगों को बताता हूँ पहली मोबाइल की विशेषता, यानी मार्टिन कपूर जी द्वारा बनाया गया पहली मोबाइल कंपनी की विशेषताएँ क्या थी। देखिए दोस्तों, आप लोग बता रहा हूँ, आप लोगों को जानकर बहुत हंसी आएगी यार ये क्या सचमुच बताता हूँ यार, पहली मोबाइल लगभग 2 KG का था। आप सोच रहे हैं क्या यार यार इतना हल्के हल्की मोबाइल आ रही है, लेकिन आप लोग बता दूँ कि पहला मोबाइल 2 KG का था। और उसका यह विशेषता था कि उसे चार्ज करने पर 30 मिनट तक बात किया जा सकता था और चार्ज करने के लिए उसे 10 घंटा तक चार्ज किया जाता था और 30 मिनट तक बातें किया जाता था। आप लोगों को बता दूं, उस समय उस पहली मोबाइल फ़ोन का दाम लगभग 2 लाख रुपया था, 2 लाख रुपया था। और उसी के 10 साल बाद मेट्रोला कंपनी ने 1983 में आम आदमियों के लिए अपना मोबाइल फ़ोन बाज़ार में उतारा, जिसका नाम था मेट्रोला डाइन टैक्स 8000X। आप लोगों को बता दूँ, उस समय उस मोबाइल का दाम लगभग 95,000 रुपया था। आज बताइए, सिंपल सिंपल मोबाइल हम लोग खरीद रहे हैं 5,000, 6,000, 4,000 या लोअर से लोअर वाल खरीदते हैं तो 1,500। और उस समय लगभग 2,95,000 पहला मोबाइल का दाम। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखना है तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा भारत का पहला मोबाइल फ़ोन कौन था और मोबाइल फ़ोन अपने भारत में कैसे आया और किसने खोजा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।